idiot, stupid, दिखाई नहीं देता तुम्हें? Sorry आंटी. What sorry? अभी सालों से रेडी होकर आई थी. नेल्स खराब हो गए, पूरे हेयर स्टाइल खराब. लिसन, आज मेरी एंगेजमेंट है. पूरी एंगेजमेंट में ना तुम और तुम्हारे वो लो स्टैंडर्ड के जोकर पापा ना मुझे मेरी पूरी एंगेजमेंट में नजर नहीं आने चाहिए. गेट दैट स्ट्रेट. अरे तुम रो क्यों रहे? ईशा आंटी ने मुझे और पापा को जोकर बोला क्योंकि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और एंगेजमेंट में आने से भी मना कर दिया. ओ तो कपड़ों की प्रॉब्लम है ना? अगर तुझे नए अच्छे कपड़े मिल जाए तो मासी तुझे मना नहीं करेगी ना? हाँ, पर नए कपड़े आएंगे कहाँ से? मैंने सुना था श्रेया आंटी कह रही थी कि वो तेरे लिए शॉपिंग करने जा रही है नटराज मार्केट वाली बड़ी बड़ी शॉप से. बहुत सुंदर सुंदर कपड़े दिलवाएंगी. सच्ची? और नहीं तो क्या, अब जाओ वरना श्रेया आंटी निकल जाएंगी. जाओ जाओ. न्यू कपड़े. Well done, my doll. Well done. अरे अरे मैं आ गया. चलो. कहाँ, किस लिए? शॉपिंग पे जा रहे ना? नहीं, बाद में जाएंगे. बाय, सी यू. क्या हुआ ध्रुव? श्रेया आंटी शॉपिंग पर नहीं जा रही और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे बुद्धू, श्रेया आंटी सरप्राइज देने वाली है तुम्हें. और वैसे भी सरप्राइज थोड़ी बताते हैं. सरप्राइज? हाँ, और नहीं तो क्या, पेट में गुड़मुड़ हो रहा है ना सरप्राइज जानने के लिए. तो जाओ पता लगाओ कि श्रेया आंटी क्या लेने वाली है तुम्हारे लिए. हाँ. मार्केट तो यही है पर श्रेया आंटी कहाँ है नजर नहीं आ रही. आगे वाली गली में होगी. मैं कहाँ आ गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम. ध्रुव तो हो गया गुम. अब देखना वैभव श्रेया को कैसे धक्के मार के बाहर निकालता है. और आशा, तुम्हारी तो निराशा होने वाली है क्योंकि मैं वैभव और श्रेया को कभी एक नहीं होने दूंगी. नेवर. ये एंगेजमेंट मत करना प्लीज. ये वैभव ने लिखा है क्या? मैसेज श्रेया नहीं भेजा. वैभव कैसी लग रही हूँ मैं? एंड ये रोज तो मेरे लिए लेकर आए हूँ.
How romantic, no? Touch wood. हम लोग यहाँ के best couple बनेंगे. हम लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना. Once again. Let's click a picture together. Nice, no? Yeah. साले साहब, ध्रुव कहीं नहीं मिल रहा. मिल नहीं रहा मतलब घर पे ही होगा कहीं खेल रहा होगा. पता नहीं हर जगह देख लिया यार, कहीं नहीं दिख रहा. ध्रुव गली में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है. पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा. ध्रुव, ध्रुव तो श्रेया आंटी के पीछे पीछे गया था. ध्रुव श्रेया के पीछे? चलो अच्छा, श्रेया जी के साथ है तो सेफ होगा. हाँ श्रेया जी. श्रेया जी आपके साथ ध्रुव था ना, कहाँ है वो? नहीं तो जीजा जी, लेकिन क्यों, क्या हुआ? ध्रुव तो तुम्हारे पीछे गया था ना श्रेया. हाँ आया था, लेकिन मैंने उसे घर वापस भेज दिया. श्रेया छोटे से बच्चे को घर जाओ बोल दिया, छोटा बच्चा है वो, उसको बाहर ऐसे ही अकेले छोड़ दिया. वैभव यहीं पे बाहर ही तो मिला था, गेट के बाहर. ओह माय गॉड, आखिर छोटा सा बच्चा है वो. How irresponsible is this? पता नहीं ध्रुव कहाँ घूम रहा होगा बेचारा. अगर उसे किसी ने उठा लिया होगा तो. आप लोग समझते क्यों नहीं हो? श्री वहां कैसे मिलेगी अगर वो वहां थी ही नहीं? ये रहा सबसे बड़ा सबूत श्री की पायल जो मुझे यहाँ पड़ी मिली. अगर तुम श्री को यहाँ नहीं लेकर आई थी तो फिर ये पायल यहाँ कैसे आई श्रेया? तने कहाँ चला गया ध्रुव? कहाँ क्या, श्रेया ने ध्रुव को खो दिया वैसे ही जैसे 7 साल पहले श्री को खो दिया था उसने. कहाँ चला गया ध्रुव? कहाँ क्या, श्रेया ने ध्रुव को खो दिया वैसे ही जैसे 7 साल पहले श्री को खो दिया था उसने. देखो वैभव, शांत हो जाओ दोनों. कुछ नहीं होगा ध्रुव को, हम सब साथ में मिलकर ढूंढते उसे. चलिए कैसे है तू? अदिति ये तुम्हारे साथ कैसे? मुझसे क्या पूछते हो? श्रेया से पूछो कि हमारा बेटा अकेला रोड पे कैसे पहुंचा. दीदी ये क्या बोल रहे हो? स्टॉप इट श्रेया. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस घर में कर क्या रही है. हाँ? 7 साल पहले चली गई थी ना ये यहां से, अब क्यों आई हूं वापस? अपना बच्चा तो खो दिया, अब मेरा? क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे तो पता भी नहीं था कि. हमेशा की तरह तुम तो अपनी गलती मानने वालों में से हो ही नहीं. ध्रुव बताओ तुम वहाँ अकेले कैसे पहुँचे? वो श्रेया आंटी ने बोला था कि वो शॉपिंग पर ले जाएंगी.
क्या बोल रहे हो? मैंने कब? ओ, कितना रो रहा है बेचारा ध्रुव, डर गया होगा। रोना मत बेटा, रोना मत, नाउ यू आर सेफ, ओके? मम्मी, वहां सुनसान रोड पे अकेला घूम रहा था मेरा बच्चा। मम्मी, अपनी बच्ची को खोके मन नहीं मरा तुम्हारा? हाँ, जो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। दीदी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने श्रेया, तुम्हारे नए नए झूठ हमेशा की तरह। How stupid I am. मुझे लगा था श्रेया अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख गई होगी। Look at you. वैसी ही जैसे 7 साल पहले थी, केयरलेस और सेल्फिश। But वैभव, प्लीज बस करो। क्यों ना बोलूं? तुम ही तो रीजन हो, तुम्हारी वजह से श्री मेरे साथ नहीं है आज। अच्छा ही है श्री नहीं है यहाँ, कम से कम ये सब देख तो नहीं रही है, देख नहीं पा रही कि तुम कैसी हो। ऐसी माँ किसी को ना मिले श्रेया। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? मिस यूएस रिटर्न वेडिंग प्लानर मिस श्रेया महेश्वरी, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स तो संभाल लेती हूँ, पर एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकती। Stop it, Vaibhav. Enough now. बहुत सुन लिया मैंने। मैंने ध्रुव को नहीं खोया है, ये बोलने का या कोई एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे पहले समझते थे और ना अब। मिस्टर वैभव तोशनीवास, तुम भी बदले नहीं हो, ना ट्रस्ट करने आया और ना रिस्पेक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया होता तो मैं यहां कभी वापस आती भी नहीं। एंड ईशा, तुम्हें यही लग रहा था ना कि तुम्हारे हनी पाई के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? एक फीलिंग तो है और बहुत स्ट्रांग है, और वो फीलिंग है हेट्रेड। गुस्सा और नफरत के अलावा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना? अभी देती हूँ प्रूफ। चलो अभिराज। क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसे क्यों? एंगेजमेंट तो होनी थी ना हमारी, या तुम्हें भी वैभव की तरह लगता है कि मैं सेल्फिश और इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ? हाँ, नहीं करना चाहते एंगेजमेंट? ऐसा नहीं है श्रेया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
रिशा, what are we waiting for? वैभव, ऐसे गुस्से में, जल्दबाजी में? ईशा से शादी तो करनी थी ना मम्मी, और अब तो अपने फैसले पे यकीन भी है मुझे कि सही ही कर रहा हूं। फाइनली हमारा रिश्ता तो 7 साल पहले ही खत्म हो चुका था, आज ऑफिशियली भी मूव ऑन कर रहे हैं। नई लाइफ, नया चैप्टर, कंग्रेचुलेशंस टू अस। ऐसा नहीं हो सकता, माँ पापा को अलग नहीं होने दे सकती मैं, आपकी श्रेया से कभी नहीं होने देगी। अब बस मेरे पास माँ और पापा को साथ लाने का एक ही रास्ता बचा। साक्षात जगत जननी लक्ष्मी का अंश हूं मैं, तो मेरा भी उतना ही अधिकार है कालचक्र पर जितना माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का है। और अब मैं अपने इसी अधिकार का प्रयोग करके कालचक्र का आह्वान कर रही हूँ। सब सही करने के लिए मैं बहुत भाग चुकी समय के पीछे, पर अब समय को ही पीछे जाना पड़ेगा। 7 साल में जो बिगड़ा है वो सुधर तो नहीं सकता, पर मिट तो सकता है ना। आज मिटा दूंगी।
से शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे हर पल में हो शुभ लाभ।